I'm your educator, and topic that I'll be discussing with you people is certain rules and applications pertaining to adjectives, jinke madad se ya aapko exam mein jo hai error detection ka section pucha jata hai. See, जो adjectives के बारे में हम आज discuss करेंगे वो ये नहीं है कि भाई adjectives क्या होते हैं, उनके types कितने होते हैं, वो क्या क्या का काम करते हैं. We're not discussing this in depth. We'll be discussing about the sort of questions and the sort of rules that need to be applied when it comes to the error detection section of your examination, right? So भाई कि एरर डिटेक्शन जब आता है एग्जाम में तो एडजेक्टिव का एरर किस तरह से पूछा जाता है, हम उसकी आज बात करेंगे आपके साथ. तो कुछ बहुत ही कन्फाइन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनकी बात करेंगे मैं आपके साथ. तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ. भाई सबसे पहली बात, सबको पता है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन या कहें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को या क्वालिटी को एनहांस करते हैं, राइट, दे आर एडजेक्टिव्स. तो बिना इसको डेप्थ में ले जाए हम आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर कि भाई एक्चुअली में जब हम एडजेक्टिव्स का सेंटेंस या सेंटेंस जब पढ़ते हैं और उसमें एडजेक्टिव की एरर होती है तो किस प्रकार से हो सकती है. सी, आई राइट फर्स्ट सेंटेंस एंड लेट्स सी, पहले आप खुद एक बार उसको जज करके देखिए कि भाई सेंटेंस में क्या हो सकता है, एंड देन वी विल डिस्कस इट फर्दर. If a sentence is written that, if I say my spectacles are comparatively cheaper than yours. If you see in this sentence, what have I written? I have written, my spectacles are comparatively cheaper than yours. Now, the moment I say this, my spectacles are comparatively cheaper than yours, you can see one word that is written here, which is comparatively. Which means ki bhai obvious hai, hamare paas bhi spectacles hain. और किसी दूसरे व्यक्ति के पास स्पेक्टेकल्स हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसका स्पेक्टेकल महंगा या सस्ता है, राइट, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस. नाउ इन दिस सेंटेंस अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कंपैरेटिवली शब्द खुद ही जो है हमें कंपैरिजन का हिंट दे रहा है कि भाई सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है. कंपैरिजन करने के लिए ये शब्द काफी है, हम बता रहे हैं कंपैरेटिवली. नाउ द मोमेंट हम कंपैरिजन के लिए ऑलरेडी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम चीपर क्यों लिख रहे हैं. इट इज वेरी ऑब्वियस, इजंट इट भाई. अगर आप कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिवली शब्द का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, व्हिच मींस यू कैन नॉट यूज चीपर बट यू हैव टू मेक यूज ऑफ ओनली चीप. सो द करेक्ट सेंटेंस वुड हैव बीन, माय स्पेक्टेकल्स आर कंपैरेटिवली चीप than yours. Now in this sentence, इसी सेंटेंस के साथ हमने एक शब्द पढ़ा comparatively. भाई दूसरा एक और वर्ड याद रखिए हम, इसी से मिलता जुलता है, जो है relatively. भाई अगर आपको किसी सेंटेंस में ये दो शब्द मिलते हैं, if you find a sentence two of these words that is comparatively or relatively, you got to remember is आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इनके साथ जो एडजेक्टिव है उसकी पॉजिटिव डिग्री यूज होती है. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, यू कैन नॉट यूज कंपैरेटिव डिग्री, यू कैन नॉट यूज सुपरलेटिव डिग्री, बट यू हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन इट कम्स टू दीज टू वर्ड्स दैट इज कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू पीपल. सो व्हेन एवर यू डू दिस, व्हेन एवर यू फाइंड दीज वर्ड्स, please do remember this pattern, right? That is comparatively, relatively, plus positive degree of an adjective. All right. This was the one first point that we've discussed. Let's move on to the next important point. This is the first type of error that you can find when it comes to adjectives. अगर adjective की error exam में पूछी जाती है या जाएगी, तो उनमें से एक error इस प्रकार की हो सकती है. ठीक है? चले. दूसरे point की बात करते हैं. भाई आपने कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल गुड है,
तो ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म है, आई एम गुड. बट अगर आप कंपैरिजन करने गए तो आप कहेंगे आई एम बेटर देन ही, राइट. सो व्हेन यू गो फॉर सुपरलेटिव यू से बेस्ट. सो फॉर एवरी एडजेक्टिव यू हैव पॉजिटिव, यू हैव कंपैरेटिव एंड यू हैव सुपरलेटिव डिग्री. बट देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स व्हिच आर सुपरलेटिव बाय नेचर, जो कि अपने नेचर से ही, मतलब आप कह सकते हो इनबॉर्न टैलेंट है उनका कि वो सुपरलेटिव ही होते हैं. तो भाई आप उनके साथ फिर ना ही मोर अटैच कर सकते हो और ना ही मोस्ट, बिकॉज दे आर सुपरलेटिव, दे विल बी यूज इन दैट वे ओनली, उन्हें उसी प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे कि भाई आपने कहा यूनिवर्सल, या आपने कहा यूनिक, या आप कह रहे हो सुप्रीम, राइट. तो यू वॉन्ट राइट मोर सुप्रीम और यू वॉन्ट राइट मोस्ट यूनिक और मोस्ट यूनिवर्सल, बिकॉज दीज वर्ड्स दे आर सुपरलेटिव बाय नेचर. Alright, so the other words that are superlative by nature are, which won't make use of more or most, will be universal, unique, supreme, whole, complete, unmatched, unparalleled. I would say square, triangular, circular, genius, full, perfect. We can have major, round, etc. So I've given you the important adjectives. I've given you the important contextual adjectives. These are the adjectives which are superlative by nature. मैं दोबारा से repeat कर रही हूँ अपनी बात. आप इनके साथ more या most को attach नहीं कर सकते. भाई अगर किसी sentence में लिखा है that this is the most unique place in the world, that is inappropriate. I'll repeat my sentence. This is the most unique place in the world. Unique is itself superlative. You don't have to use most. It'll be this is the unique place in the world. That is it. So this is how you can use. If I say, if I use any of these if I see shapes, square, rectangular, circular, any of these shapes if we use, we cannot use. Like for example, if I say my field is more square than yours, this is inappropriate. I'll have to go, my field is square than yours. Even if I had to compare, even if I had to tell that it is best than all of the others, I'll have to. Mujhe sirf square likhna hai. More square nahi likh sakti main, most square bhi nahi likh sakti main. Alright? Chale. To bhai, in shabdo ko note kar le, ya phir screenshot le le, taki ye aapke paas noted rahe. Alright? These are important words that are superlative by nature. Chale, let's move on to the next point. See, you'll have to make sure कि आप इन सबका application भी देखें, right? जब आप video session हमारा देख लेते हैं, once you're done with it, make sure कि आप इनको apply कर भी देखते हैं, ठीक है? Sentences को practice कीजिए ताकि आपको rules का application समझ आए, because आप language या grammar इसको cram नहीं कर सकते, you cannot rectify this, right? रट नहीं सकते, application सीखना ही पड़ेगा, okay? चलिए, let's move on to the next rule. भाई, for example, it is written he is good and wiser. Full stop. If I say he is good and wiser, full stop. Or if I say he is good and wiser than I. Now, in these two sentences, you see, हमने क्या किया? हमने दो adjectives को join किया है. हमने दो adjectives को जोड़ा है. भाई, एक है हमारे पास good और दूसरा है wise. लेकिन हमने किया क्या? भाई, ये adjective तो positive degree का लिखा है. लेकिन जो दूसरा adjective हमने लिखा है, वो comparative degree का है. अब अगर आप पहले sentence में देखें, तो क्या हम comparison कर रहे हैं? नहीं कर रहे. इसका मतलब हम wiser नहीं लिख सकते, उसको क्या लिखेंगे? Wise.
तो सही सेंटेंस क्या होगा? He is good and wise. I guess आप में से काफी लोगों ने तो उसको देखते ही जज कर लिया था. The correct sentence is he is good and wise. But in the second sentence, if you see, हम compare कर रहे हैं. Now that हम comparison कर रहे हैं, तो हमें comparative degree use करनी पड़ेगी. तो हमने wiser तो लिखा, लेकिन अब हम good नहीं लिख सकते. इसे क्या लिखना पड़ेगा? Better. क्योंकि gooder तो नहीं होता है, right? So he is better and wiser than I. तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? भाई conclusion ये है कि अगर किसी एक सेंटेंस में आप दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हैं तो उनकी डिग्री जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. अदरवाइज इफ टू एडजेक्टिव्स आर जॉइंड देयर डिग्री शुड बी द सेम. प्लीज मेक श्योर भाई अगर आप किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हैं तो उनकी डिग्री जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. अगर आप वहां कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों एडजेक्टिव्स की डिग्री कंपैरेटिव फॉर्म में होगी. अगर आप किसी से सबसे बेहतर बता रहे हैं तो दोनों एडजेक्टिव्स की डिग्री सुपरलेटिव होगी. लेकिन अगर आप सिर्फ किसी व्यक्ति की दो क्वालिटीज को बस स्टेट करें, ना ही कंपैरिजन करें, ना ही सबसे अलग बता रहे हैं, तो फिर वो डिग्री पॉजिटिव होगी, राइट? लेकिन होगी डिग्री दोनों एडजेक्टिव्स की सेम. सो दिस वॉज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द थर्ड और द फोर्थ पॉइंट दैट वी आर डूइंग. तो भाई अगर हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि अगर कभी किसी सेंटेंस में कंपैरेटिवली या रिलेटिवली शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री के बजाय पॉजिटिव डिग्री आता है एडजेक्टिव का, क्योंकि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली खुद ही कंपैरिजन बताता है. दूसरा पॉइंट हमने किया कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो कि बाय नेचर ही सुपरलेटिव होते हैं, उनके साथ हम मोर या मोस्ट को एड नहीं कर सकते. एंड थर्ड पॉइंट इज दैट आई गेस दिस इज थर्ड पॉइंट दैट वी डिड कि भाई अगर दो एडजेक्टिव्स को जोड़ा जा रहा है किसी सेंटेंस में तो उनकी डिग्री जो होनी चाहिए वो एकदम सेम होनी चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू इन दिस सेशन ऑफ आवर्स. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कम अप विद दिस, वी विल कंटिन्यू विद दिस सेशन ओनली अबाउट द एडजेक्टिव्स वी विल वर्क ऑन. एंड ऑल्सो आई मेक श्योर कि हम आपको इसका एप्लीकेशन भी प्रैक्टिस कराएं, जैसे हमने वर्ब अग्रीमेंट के लिए प्रैक्टिस सेशन किया था. ऑलराइट, चलो टिल देन प्लीज डू प्रैक्टिस दीज सेशंस, इनको अप्लाई कर देखिए, मैं बार बार कह रही हूं. थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, राइट? डू नॉट फॉरगेट दैट. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.